हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। और कैसे हैं आप लोग? तो आज से नवरात्रि स्टार्ट है, तो आप सब लोगों को हैप्पी नवरात्रि। माता रानी करें आप लोगों की जितनी विषय हो सब पूरा करें, और आप सबके ऊपर माता रानी की कृपा बनी रहे। और यहाँ पर मैं नहा धोकर आई हूँ, तो मतलब मैं फेस पर गर्मियों में कुछ भी नहीं लगाती, कुछ भी नहीं लगाती, केवल लिप्स में यानी अपने ओंठों पर लिप बाम लगाती हूँ और कुछ भी नहीं लगाती, क्योंकि गर्मी में मैं क्रीम तो क्रीम वगैरह कुछ भी अपने फेस पर अप्लाई नहीं कर सकती। और ज़्यादा गर्मी होगी तो बस पाउडर ही लगाऊंगी, पाउडर छोड़कर कुछ भी नहीं लगेगा। और यहाँ पर मैं गई हूँ बाहर बाल को पोंछने के लिए, क्योंकि आप लोगों ने देखा मैं टॉवल लगा कर रखी थी। तो मेरी आदत है, जब भी मैं बालों को धोकर आती हूँ तो बाहर जाती हूँ गेट के पास पोंछने के लिए, ताकि जो भी बाल गिरे तो बाहर गिरे और कमरे में ना गिरे, क्योंकि कमरे में गिरेंगे तो उड़ेंगे और उड़ने के बाद फिर खाने में जाएंगे। अब जब खाने में बाल आ जाते हैं तो फिर खाना भी अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए मैं बालों को झाड़ती भी बाहर हूँ और बालों को पोंछती भी बाहर हूँ। जब बाल की मतलब बाल में जो उलझन होती है तो वो जब सुलझ जाते हैं तब फिर अंदर आकर उनको मतलब जूड़ा, या आप लोग जानते हैं जूड़ा ही अधिकतर लगाती हूँ। मुझे ज़्यादातर चोटी वगैरह बनाती नहीं हूँ। और गाइस, ये आवाज़ आ रही हो तो इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि बाहर कोई चीज़ बेचने आया हुआ है, मैक्सी वगैरह शायद, तो उसी की आवाज़ आ रही थी। तो हाँ, मैं कहाँ थी, हाँ जूड़ा, तो मुझे जूड़ा ही ज़्यादातर पसंद है। और गर्मियों में तो भरपूर मतलब कि चोटी तो फिर बन भी नहीं सकती है, सर्दियों में तो एक बार मैं थोड़ा सा चोटी बनाने की सोच सकती हूँ, लेकिन गर्मियों में तो मैं चोटी बना ही नहीं सकती। तो जूड़ा हमारा अधिकतर बना रहता है, आप लोग तो देखते ही हैं, जो भी कोई मेरी वीडियो देखता है तो उन्हें पता होता है कि मेरे बालों में कुछ भी नहीं स्टाइल बनाती हूँ, केवल जूड़ा, ओनली जूड़ा। तो यहाँ पर मैं किचन में आ गई हूँ चाय बनाने के लिए, और आप लोगों ने देखा मेरे पतिदेव पूजा कर रहे थे, तो पूजा करके वो गए हैं ऊपर जल चढ़ाने के लिए। सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हैं और तुलसी माता में भी जल देते हैं, तो मैं पूजा पाठ नहीं करती, बहुत कम करती हूँ। पतिदेव मेरी पूजा पूजा पाठ चालू करते हैं। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सैटरडे से ही नवरात स्टार्ट हुआ है, तो सैटरडे को मेरे पतिदेव का फास्ट था, बट आज संडे है तो सैटरडे की मैं कोई वीडियो शूट नहीं करी थी, क्योंकि पता नहीं क्यों कुछ अजीब सा लग रहा था, तो मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था। तो ये आज की तुरंत की ताज़ा ताज़ा है एकदम वीडियो। तो यहाँ पर मैं दूध फ्रिज से निकाल के लेकर आई हूँ चाय में डालने के लिए, और ये मेरी चाय खौल गई है, तो चाय में मैं दूध डाल दूँगी। और ये दूध मेरा एक दिन पहले का है, और ये मतलब एक दिन पहले का है, तो ये इतना सा बचा हुआ है, अब ये दोबारा चाय वाय बनेगी तो उसमें यूज हो जाएगा। और जो सैटरडे की नाइट को आया है वो दूध ये ताज़ा वाला रखा हुआ है, इसकी मलाई उतारनी है, फिर इस दूध को मैं यूज करूँगी। और इधर मेरी चाय जो है रेडी हो रही है, तो इसमें मैंने दूध डाल दूँगी, चाय हमारी पक जाएगी। और पहले तो मैं दोनों नवरात को पूरा पूरा रहती थी, नौ नौ दिन रहती थी, नौ दिन नहीं रहती थी तो आगे पीछे रह लेती थी। और यहाँ पर मेरे पतिदेव जो हैं पूजा करके गए हैं, और कान्हा जी को भोग भी लगा हुआ है, दूध का आरती भी जल रही है। पूजा करना मुझे अच्छा लगता था, लेकिन जब से मेरा बाबू नहीं रहा था, यानी कि मतलब मैं पूजा पाठ करती थी, सब कुछ करती थी, लेकिन जब से मेरा बड़ा वाला बाबू नहीं रहा था तब से मेरा पूजा करने में कोई भी मन नहीं लगता, पता नहीं क्यों मुझे कुछ अजीब सा लगता है, मैं खुद में ही नहीं बता सकती कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। वैसे तो मैं सब कुछ कर दूंगी, लेकिन पूजा करने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता। और हाँ, और कहते हैं कि अगर दिल से जो काम किया जाए वही सही होता है, अगर आपका दिल नहीं लगता है, मन नहीं करता है, तो वो काम को नहीं करना चाहिए। पता नहीं पूजा करने में मुझसे क्या गलती हो जाती है, क्या नहीं होता है, मुझे खुद भी नहीं मालूम कि मतलब ऐसा क्या हो गया। लेकिन कहते हैं कि सब अपने अपने किस्मत की बात है, किस्मत से बढ़कर कभी किसी को कुछ भी नहीं मिलता, जितना किस्मत में होता है उतना ही मिलता है। और फिर हम लोगों को तो हर हाल में खुश रहना है तो भी, नहीं है तो भी,
तो हर हाल में खुश रहना चाहिए। और यहाँ पर उबली हुई आलू रखी थी क्योंकि पतिदेव को जैसा कि मैंने बताया था सैटरडे को फास्ट था, तो ये आलू ज़्यादा उबली हुई थी तो मैंने आधी उठा कर रख दी थी, तो और आधी उनके लिए फ्राई कर दिया था। सॉरी गाइस, तो उन्हीं आलू उबली हुई आलू की मैं यहाँ पर आलू टमाटर की रसेदार सब्जी बना दूंगी। और टमाटर भी मैंने काट लिया है। हाँ, ये है कि नवरात में प्याज लहसुन हम लोग कम खाते हैं, यानी कि पहले तो बिल्कुल भी नहीं छूते थे, अभी भी नहीं छूते हैं। जहाँ तक होता है नवरात में प्याज लहसुन का तो यूज़ करते ही नहीं हैं। और यहाँ पर मैंने केवल जीरा और टमाटर, जीरा का तड़का लगाया है, टमाटर डाल दिया है और अपना वही मसाला डाल दिया, हल्दी, धनिया, मिर्ची, गरम मसाला। और टमाटर यहाँ थोड़ा सा मुझे खड़ा खड़ा लग रहा था तो मैंने इसको इस चमचे से दबा दिया ताकि वो फूट जाए और फटाफट से गल जाए। तो यहाँ पर आलू भी मैंने मैश करके डाल दिया और आलू टमाटर की इस तरह से रसेदार सब्जी बना लूँगी। और वैसे तो पहले मैं जा रही थी रोटी सेकने के लिए, लेकिन मेरे सर में इतना पेन हो रहा था कि मतलब कि मुझसे रहा नहीं जा रहा था। तो मैंने कहा, तो पतिदेव बोले रहने दो, रोटी मत सेको, चावल डाल दो मेरे लिए, आज टिफिन नहीं ले जाऊंगा क्योंकि तबीयत भी तुम्हारी ठीक नहीं है। तो उन्होंने बोला कि रहने दो, चावल बना दो, चावल खा कर चला जाऊंगा। तो इसीलिए फिर मैंने रोटी नहीं सेकी और चावल को मैंने बना दिया था। और फिर उसके बाद मैं एक दवा लेकर आई और दवा को खाया, बहुत तेज़ी में मतलब सर में और पाँव में बहुत तेज़ी मेरे दर्द हो रहा था, मुझे खुद भी नहीं पता कि क्यों दर्द हो रहा था। तो यहाँ पर मैं दवा लेकर आई हूँ और दवा खाने के बाद मैं थोड़ी देर लेट गई थी। और यहाँ जो है पति देव मेरे कुछ बोल रहे थे तो उन्हीं से मैं कुछ बता रही थी, मुझे याद भी नहीं है कि मैं क्या बता रही थी। तो दवा खाने के बाद मैं थोड़ी देर लेट गई थी क्योंकि चावल को मैं कुकर में बिठा कर आई थी, तो टेंशन वाली कोई बात नहीं थी। जब सीटी आती तो गैस मैंने बंद कर दिया था। और इधर मेरे पति देव निकल के जा रहे हैं और वो मॉर्निंग में पूजा बिना कपड़ों में ही करते हैं, यानी कि केवल वो लोवर पहने, हाफ लोवर जो होता है उसको पहन कर ही करते हैं। बंडी वगैरह भी बहुत कम पहनते हैं, ठंडियों में तो पहन भी लेते हैं लेकिन सर्दियों में तो ऐसे ही रहते हैं, आप लोगों ने अधिकतर देखा होगा। और यहाँ पर मेरा चावल जो है अभी प्रेशर भी नहीं निकला था और पतिदेव लेट हो रहे थे तो मैं उनके लिए चावल निकालने चली, तो इसमें प्रेशर था। तो मैंने मतलब पहले मैंने सोचा इसकी मतलब प्रेशर निकाल दूँ लेकिन पानी निकल रहा था, तो फिर मैंने इस कुकर के ऊपर पानी डाल दिया जिससे जितनी इसके अंदर की गैस है सारी निकल जाएगी और कुकर खोलने में आसानी होगी और फिर पानी भी नहीं निकलेगा। वैसे सीटी उठाओ तो पानी निकलता है, अगर ऐसे आप पानी डालकर उसको मतलब ठंडा करके खोलो तो फिर पानी वगैरह कुछ भी नहीं निकलता है। तो इधर मेरी सब्जी भी रेडी हो गई है, चावल भी हो गया है, तो आ जाइए आप लोग भी क्योंकि मुझे तो अभी खाना नहीं है और बाबू भी अभी नहीं खाएगा क्योंकि वो अभी तो सोकर उठे हैं। और यहाँ पतिदेव को मेरा खाना लग गया है, सब्जी है, चावल है, तो ये ले जाकर मैं पतिदेव को अपने दे दूँगी। और पतिदेव को मेरे चावल ज़्यादा पसंद है, रोटी तो थोड़ी बहुत चलती है लेकिन चावल चल जाता है। अगर रोटी ना भी चले तो कोई बात, रोटी ना भी रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन चावल उनको ज़्यादा पसंद है। इसी तरह से मेरे बाबू को भी चावल ज़्यादा पसंद है। और यहाँ पर पतिदेव मेरे खाना खाकर ऑफिस चले गए हैं और बाबू मेरे फ्रेश होकर आए हैं, तो उनके लिए मैं थोड़ा सा शिकंजी बना रही हूँ क्योंकि मॉर्निंग में वो चाय, दूध वगैरह कुछ भी नहीं लेते। तो मैंने कहा चलो गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं तो एक गिलास शिकंजी बनाकर दे देती हूँ। तो थोड़ा सा शक्कर डाला है और जब मैं नमक डालने चली तो नमक तो उसमें था ही नहीं, ज़रा सा नमक था, तो मैंने कहा चलो ठीक है बाद में निकाल लूँगी। तो उसमें से मैं नमक निकाल ली थी चम्मच में क्योंकि थोड़ी सी नमक डालनी थी, तो मेरा आधा नीचे गिर गया और आधा जो है चम्मच में आया। और यहाँ पर आप लोग खुद ही देख रहे होंगे कि मेरा चेहरा किस तरह से उतरा हुआ है क्योंकि वो सर में दर्द है, तो इसी कारण मेरे चेहरे चेहरा भी उतरा हुआ है। तो और यहाँ पर साथ ही साथ मैं चाय भी चढ़ा दी हूँ कि मेरी चाय भी गर्म होती रही। बाबू शिकंजी पिएगा और मैं चाय पी लूँगी और चाय पीने के बाद थोड़ी देर आराम करूँगी क्योंकि अभी तो टेंशन किसी चीज़ की नहीं है कि मतलब कि खाना बनाना है या किसी को कहीं जाना है, तो चाय पीकर मैं लेट जाऊँगी, थोड़ी देर आराम करूँगी। और ये नींबू हमारा जो बड़ा वाला नींबू है जो मैं गांव से लेकर पहले आई थी, तो ये वही वाला नींबू है, फ्रिज में रखा हुआ है, तो थोड़ा थोड़ा यूज़ करती हूँ, सुबह गर्म पानी में भी डालकर मैं थोड़ा सा पीती हूँ और बाबू को शिकंजी बनाकर भी
दे देती हूँ, तो ये नींबू हमारा अच्छा खासा चल जाता है। अभी रखा हुआ है तो अभी मुझे लगता है चल जाएगा, आराम से कुछ दिन चल जाएगा, नींबू मुझे लेना नहीं पड़ेगा। और इधर मेरे बाबू की हो गई शिकंजी तैयार और मेरी भी हो गई है चाय गरम, तो इसको पीने के बाद आराम से थोड़ी देर लेटूंगी। और गाइस, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करके जाना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी कीजिएगा, अपने फैमिली फ्रेंडों के साथ शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि आजकल तो हमारी वीडियो में कुछ भी व्यूज़ नहीं आ रहे, कुछ भी व्यूज़ नहीं आ रहे, यहाँ तक कि ये समझ लीजिए 100 भी पार होना अब तो मुश्किल हो रहा है। पता नहीं क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, पहले तो थोड़े बहुत अच्छे खासे आ भी जाते थे लेकिन अब तो बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं। तो प्लीज़ गाइस, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा। और यहाँ पर जब मैं लेटी थी थोड़ी देर सो गई थी और उसके बाद अब मेरा सर जाके थोड़ा सा हल्का हुआ है, दवा वगैरह खाई थी। और फिर इसके बाद ये कपड़े जो यहाँ पर अंदर वाले रूम में मेरे बिखरे पड़े हुए थे, नाइट में कपड़े उठाकर लेकर आई थी तो कपड़े सारे ऐसे ही रख दिए थे, फोल्ड नहीं किए थे, तो इनको अब मैं फ़ोल्ड करके रख दूँगी। जिनको प्रेस करने हैं उनको एक साइड कर दूँगी और जिनको बिना प्रेस के पहनने हैं उसको अलग कर दूँगी। बिना प्रेस के तो आप लोग जानते ही कौन से कपड़े होते हैं, और जो चादर वगैरह है उसको उठाकर मैंने अलमारी में रख दिया है। और गाइज, आप लोग कमेंट भी किया कीजिएगा, क्योंकि आप लोग कमेंट करते हैं तो आप लोगों को प्यारे प्यारे कमेंट मुझे पढ़ने में बहुत अच्छे लगते हैं, और आप लोगों की कमेंट का बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहता है कि जो भी आएंगे प्यारे प्यारे कमेंट करेंगे, जिनको पढ़कर मुझे बहुत 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 ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर तो मैंने कपड़े वगैरह सारे रख दिए हैं और थोड़ा सा रूम भी क्लीन कर लिया है, और इसके बाद मैं अब आ गई हूँ झाड़ू लगाने के लिए, क्योंकि अब इसके आगे और इससे ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं रखूँगी, क्योंकि यही वीडियो हमारी कोई नहीं देखता है, क्योंकि व्यूज़ इस समय बहुत कम आ रहे हैं, बहुत कम आ रहे हैं, तो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो कोई भी नहीं आएगा। तो प्लीज़ गाइज, लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी कीजिएगा। अब मिलूँगी आप लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।